चलो प्रवचन सुनने के पहले सब लोग एक साथ में नमो तस्सा तीन बार पाठ करें। परित्राण का अर्थ होता है जो भी अंतरय उपद्रव, एक तो दृश्य अंतरय उपद्रव है, दूसरा अदृश्य अंतरय उपद्रव है। दोनों अंतरय उपद्रव को अगर हो रहा है तो उसको नष्ट कर देते हैं और जो होने वाला है उसको भी ना होने के लिए रक्षा करता है। इसी को पाली भाषा में परित्त बोलते, देखो इसको परित्त कहते हैं पाली भाषा में। ठीक है, एक तो दृश्य अंतर उपद्रव है, ठीक है, दूसरा अदृश्य अंतर उपद्रव। दृश्य अंतर उपद्रव तो हम अपने आंखों से देखते हैं तो अपना सावधानी से बच सकते हैं, जैसे चोर के अंतर उपद्रव, धातु के उपद्रव, ऐसे खराब मनुष्य के उपद्रव, इसी तरह आपकी क्या बोलते हैं हिंसा प्राणी भी रहते हैं, सांप बिच्छू तमाम जो है जानवर के अंतर उपद्रव, उसको हम गेट बंद करके दरवाजा बंद करके रक्षा कर सकते हैं, है ना नहीं। परंतु अदृश्य अंतर उपद्रव को गेट बंद करके दरवाजा बंद करके उसका रक्षा नहीं कर सकते हैं। उसको सूत्रपात करेगा तभी उसका रक्षा होगा, जैसे कि भूत प्रेत पिशाच के अंतर उपद्रव, जो भयानक जक्ष होता है, भूत प्रेत होता है, उसको उपद्रव को तो देखा नहीं देता, उसको भी आपको सूत्रपात करके भी रक्षा होता है। जादू मंत्र तंत्र का उपद्रव, उसको भी देखा नहीं देता, इसको भी सूत्रपात करेगा तभी रक्षा होगा। इसी तरह ग्रहों के अंतर उपद्रव, जैसे शनि है, राहु है, केतु है, इसका अंतर उपद्रव को भी दरवाजा और गेट बंद करके आप रक्षा नहीं कर सकते हैं। तो सूत्र अगर पाठ कर लेते हो तो उस सूत्रपात से दृश्य और अदृश्य दोनों अंतर उपद्रव को रक्षा करता है, अगर है तो उसको नष्ट कर देते हैं। इसी को परित्त कहते हैं, बोलो, इसको हिंदी मराठी में परित्राण, क्या बोलते हैं। तो ये परित्राण 11 सूक्त है, महत्वपूर्ण 11 सूक्त है लोगों के लिए जीवन में होने वाला दृश्य अदृश्य अंतर उपद्रव रक्षा के लिए 11 सूक्त बताया। 11 में से मंगल सूत्र जो है वो रक्षा नहीं करता, वो मंगल धर्म है जिसका आचरण, उसको आचरण करने के लिए बताया, उसको आचरण करने से जीवन में सुख समृद्धि, जीवन में कामयाबी होने के लिए एक उत्तम मार्ग है। इतना ही नहीं, एक अच्छे व्यक्ति सज्जन व्यक्ति बनने के लिए मार्ग है। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है वो जीवन में कभी पतन नहीं होगा, उस मंगल धर्म की मार्ग पर चलने से। अल्टीमेटली चार मार्ग चार फल तथा निर्वाण को भी प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा उत्तम मार्ग वो खटियत मंगल है, वो मंगल धर्म ऑलरेडी कह चुका है। तो उसको तो आचरण में लाना है, परंतु ये और बाकी जो बचे हुए सूक्त है वो डायरेक्ट रक्षा करते हैं। परंतु रक्षा कैसा करता है, जब आपके मन में चित्त की चेतना में जब पढ़ने के वक्त अगर मन एकाग्रता हो गए हैं, उस वक्त में धम्म में ही चित्त हो, उस वक्त ही ये लाभ होता है। केवल पढ़ लिया तो उस वक्त मन में धम्म चित्त नहीं हो, मन एकाग्रता न हो,
कभी लाभ नहीं होगा। आपके मन में चित्त में एकाग्रता होना चाहिए और उसी में मन आना चाहिए और मन में धर्म मन होना चाहिए, धर्म में चित्त होना चाहिए। ठीक है, इसमें दो बात कहा, जब धर्म में चित्त होगा एक तो मैत्री, दूसरा क्षत्रिय। मैत्री से ये और क्षत्रिय से, इस दो बातों से आप जो है खाने के वक्त, सोने के वक्त, चलने के वक्त, जहाज में चलने के वक्त, गाड़ी में चलने के वक्त, गाड़ी चलाने के वक्त आपको हमेशा ये रक्षा करेगा, इसलिए उसका नाम परित्यक्त है। ठीक है, इसके लिए मैत्री और सच बोलना, सत्य क्रिया करना, ये दो बातों से ये परित्राण में बात करने से लाभ होता है या सुनने से भी लाभ होता है, इसलिए इसका नाम परित्राण। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अंगुलिमाल सूत्र। अंगुलिमाल छोटा सा सूत्र है, तो दो सूत्र का एक साथ में कॉम्बाइन बताऊँ। एक तो यह दिया है सूत्र, एक है मध्यम निकाय, मध्यमा निकाय में, मध्यमा पनरासा में दिए हुए हैं अंगुलिमाल सूत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ भगवान बुद्ध ने क्या कहा, परितायं बनतस निसिन्नथान धवन उदकम पी विनाशेति सब्बमेव परिसय। यहां तक भगवान बुद्ध ने कहा है कि जिसको हम पूरी जिस जगह पर, जिस स्थान पर यहां मान लो भिक्षु बैठे हैं, तो भिक्षु अगर वहां परित्राण पाप करते हैं, उस ये स्थान को, बैठे हुए स्थान को अगर पानी से धो करके भी, उस पानी को अगर आप छिड़क कर यूज करते हैं, उतना में भी क्या बोलते हैं, तमाम जो दृश्य अदृश्य अंतर उपद्रव नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कहा है निश्चिन्नताना धवन उदकंपी, पानी से धोने से बिना से थी उसकी सबमेव परिसय, वो सारे उपद्रवों को नष्ट कर देता है और जिससे उसी क्षण कल्याण पूर्वक प्रसन्न होता है। इसको किसने कहा, लोकानाथ था इसने कहा, भगवान बुद्ध को लोकानाथ था, लोकानाथ है ना बासित है। भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल को सिखाया है ये सूत्र, किसको सिखाया, अंगुलिमाल को सिखाया, अंगुलिमाल को सिखाया, तभी ये अंगुलिमाल ने इस सूत्र को यूज किया। ठीक है, कपटहाय महातेजन, यहां तक कहा कपटहाय महातेजन, बोले तो ये जब तक कल्प रहेगा, जब तक ये दुनिया रहेगा, किसी भी जगह में कोई भी व्यक्ति इस सूत्र को पाठ करेगा तो उसका लाभ होगा ही। ठीक है, जब तक कल्प रहेगा, यहां तो कहा गया है। यहां भगवान बुद्ध ने अंगुलिमाल को सिखा दिया ये शिक्षा। ठीक है, क्यों सिखा दिया है अंगुलिमाल को, अंगुलिमाल एक धाकुट है, सबको मालूम है। ये जब भिक्षु बने, भिक्षु बनने के बाद उनकी जीवन में जो कठिनाई आई है, उसके बाद उस कठिनाई से मुक्त होने के लिए भगवान बुद्ध ने इस परित्राण को बताया। ठीक है, इस परित्राण को बताया। तो ये जब डाकू हुआ करते थे, उसने लोगों को हत्या किए हैं, है ना, उसको लोगों को हत्या किए हैं, इसके उसके परिणाम उनको भोगना पड़ रहे हैं, तो भगवान बुद्ध ने ये बताया है कि उसको ये बताया, क्या बताया, यो तो है भागनी अरे आया जाती या जातो ना भी जाना मी संचित पाने जीवित रूपे का। वो उसको ये सूत्र बताया है कि जब से मैं भिक्षु बने हैं, भगवान बुद्ध ने पहले तो जातिया जातो, जब से ये जन्म हुआ है, ऐसा लिखा इसमें जातिया जातो मीन्स, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसने जब से जन्म हुआ तब से प्राणी हत्या नहीं की है, किसी प्राणी का हत्या नहीं किए हैं। भगवान बुद्ध का लक्ष्य है कि तब जब से तुम भिक्षु जीवन में जन्म हुआ है, भिक्षु बने हैं, तब से लेकर के
कभी प्राणी हत्या नहीं किए हैं, किसी की हानि नहीं किए हैं, इस सत्य वचन से प्राणी का मंगल हो ऐसा कहने के लिए कहना चाहता हूँ। वो बोले तथागत ये तो झूठ हो जाएगा, ये तो झूठ हो जाएगा, मैंने तो बहुत प्राणी हत्या किए हैं उंगली माल बन के। तो भगवान बुद्ध ने अच्छा ठीक है, फिर भगवान बुद्ध ने कहा है कि आर्य या जातीय जात नाभि जनमि, जब से मैं आर्य कुल मैंने भिक्षु, ये जो बुद्ध बनते हैं अरहंत बनते हैं वो आर्य कहते हैं, जिसने सोटापन्न सकेदा में अनागामी अरहंत मार्ग फल प्राप्त किए तो आर्य कहते हैं आर्य। इस आर्य कुल में जब भिक्षु हुआ तब से लेकर के अभी मैं किसी प्राणी का हत्या नहीं किए हैं। इस सत्य वचन से संजय जीवित और कहता तेना सच्चे ना सोते हो तू सोती गब्बसा। तो इससे जो गर्भ धारण कर रहे हैं महिला, महिला की भी सुखी हो, उस गर्भ में है जो बच्चा है उसका भी सुख शांति हो, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो ये क्यों कहा गया, इनको ये परेशानी क्यों, इसको ये सूत्र बोलने के भगवान बुद्ध ने क्यों सिखाया, ये बात आता है अभी। इसलिए सिखा दिया उनको, ये अंगुली माल को इतनी लोग मारते थे, पत्थर फेंकते थे, भोजन नहीं मिलता था, तमाम परेशानी को झेलना पड़ा भिक्षु बनने के बाद। इसका वजह है कि भिक्षु बनने के पहले वो अंगुली माल बन के लोगों का हत्या करते, बहुत ही खतरनाक भयानक हत्यारा थे, धाकू थे, कि इतने पहलवान भी वो ताकत भी थे ये व्यक्ति। यहाँ ये सूक्त में हम सब में बताने कोशिश करेंगे, क्योंकि रोज प्रवचन होगा तो उसको ज्यादा खींचेंगे, तो बार बार हम नहीं बोलेंगे, तो आप लोग ध्यान से सुनिए, आपका लाभ हो जाएगा। इसका थोड़ा जातक बता देता हूँ उनके बारे में। तो ये भयानक डाकू हुआ करते हैं, तो लोग उस जिस जंगल में ये रहते हैं वहां कोई जाने हिम्मत नहीं करता है। लोग क्या करते हैं, 40-50 लोग इकट्ठा करके जाता है, तभी भी 40-50 लोगों को सबको मार धाड़ता है, इतनी ताकतवर है, पहलवान है, खतरनाक है। कोई सेना लोग, सेना भी आ जाते हैं, तो सेना 40-50 सेना 100 सेना आने से भी वो सेना भी इतना डरता है, उनके आवाज से हाथी से आया या घोड़ा से आया उसका सामना नहीं कर पाता है, सबको हत्या कर देता है, इतना पहलवान थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, रात इस बातों को राजा के पास है, बार बार राजा को सुनने मिला है कि बहुत बड़ा हत्यारा है, खतरनाक है, अकेला तो छोड़ो, 40-50 एक साथ में जाने से भी उसका सामना नहीं कर पाते, सबको हत्या कर देते हैं, इतना तेज दौड़ता भी है, बहुत पहलवान भी है और खतरनाक भी है, खूंखार है। तो उसकी ये जो वहां के रहने वाला कौशल नरेश है, राजा प्रसन्नजीत, उसने उसके पास जब ये मंत्रिमंडल में बातचीत हुआ है कि उनको पकड़ना है, पकड़ने के लिए हजारों सेना के साथ उसको पकड़ने के लिए जाएगा, तो ये बात को जानने के बाद वो उसकी माँ ने पूछा कि अंगुली माल कौन है, उसके पिता उसके आदमी ने बोला कि उनको उनके माँ को उनके पिताजी ने तो कोई नहीं, अंगुल तुम्हारी बेटा है। तो माँ तो माँ होती है, बहुत करुणा है माँ में, तो उसको बचाना है कैसा भी, उनके पास जाएंगे, वो ज्यादा रहते हैं वहाँ उखाने के लिए, वरना ये राजा तो पूरा सेना तैयार कर लिए हैं, इसको पकड़ ले आएगा, उसको दंड देगा, तो कोई माँ तो कैसा रह सकते हैं, माँ माँ जाएंगे तो माँ जाएंगे तो माँ को हत्या कर देगा, ये इतना कुंठा है। तो भगवान बुद्ध को करुणा जागा है कि इतने माँ को अगर हत्या कर ले तो इतना पुण्यवान व्यक्ति इसको दुर्गति हो जाएगा, ठीक है ना, गलत लोगों से संगति में इनको जिलासी से उनको गुरु दक्षिणा देने के लिए ये सरेंद्र राजा गए हैं, जिसकी वजह से डाकू बन गए हैं, ये हत्यारा बन गए हैं, और ये ऐसा व्यक्ति नहीं था, उनका नाम असल ओरिजिनल नाम अहिंसका, उसका असली नाम क्या है, अहिंसका।
तो अहिंसका से इतना बड़ा खूंखार हिंसक बन गए हैं, तो उसकी उसके लिए माँ तो बहुत टेंशन हो गए हैं। तो माँ जब जाते हैं, भगवान बुद्ध देखते हैं कि ये तो पुण्यवान व्यक्ति है, तो भगवान बुद्ध जिस जंगल में वो अंगुली मार रहे थे उस जंगल की ओर चलने लगे। भगवान बुद्ध चलने लगे तो लोग रास्ता में मिलता है तो लोग बोलते हैं कि तथागत यहाँ मत जाइए, बहुत ही खूंखार आतंकी है, यहाँ उंगुली माल है, उंगुली माल लोगों को मारने के बाद उंगलियों को ऐसा माला बना के गला में रखता है, इसलिए उंगुली माल। तो ये जो उंगुली माल है भगवान बुद्ध को मार देगा, जो लोग उठाते हैं रास्ते में, भंत जी तथागत इस मार को मत जाइए, बहुत खूंखार आतंकी है, यहाँ आपका हत्या कर देगा। तो उसको जैसा कि सुना नहीं दिया, आराम से तथागत चलने लगे, चलते गया। उसको देखने को वह उंगुली मार को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत ही है ये भिक्षु, बहुत हो गया ये तो, मेरे नाम से सब लोग डरता है कांपता है, और ये तो आराम से मैं जहाँ रहता हूँ इधर की ओर सीधा आ रहे हैं, ये इसका मतलब ये मुझे नहीं डरता है। उसको अधिक गुस्सा आ गया, इसको मैं हत्या करके छोड़ूंगा अभी इस भिक्षु को। तो उसने अपने आप में वो तीर लिया है, धनुष लिया है, तलवार ले लिया है, उसके बाद जो हथियार है सब ले लिया पूरे शरीर में, उसको हत्या करेगा। तो भगवान बुद्ध ने अधिष्ठान किए हैं, उसने रुद्धि बोल पर उन्होंने अंगुल माल जो है मेरे पास ना पहुंचे कितना भी बोल, ये अपने रुद्धि बोल उन्होंने अधिष्ठान करके अपने रुद्धि बोल से उन्होंने ऐसा रुखा दिया। इतना दौड़ने लगे इनके पीछे तथागत को पकड़ने के लिए। यहां कहा गया है कि किताब में इस ये मध्यमा पनरासम है कि तीन योजना दौड़े हैं, एक योजना हिसाब करें तो 12 किलोमीटर पकड़े, तीन योजना होते 36 किलोमीटर ये दौड़ा। दौड़ने के बाद थके हैं ना, नहीं पकड़ पाया तो फिर तथागत को बोले हैं कि हे भिक्षु रुक जाओ, ऐसा बोले रुक जाओ। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं रुका हूं, मैं रुक गया, मैं ऑलरेडी रुका हूं, तुम कब रुकोगे। इस बातों को इनके पास पुण्य है, साधारण व्यक्ति ने इसलिए जल्दी समझ में आया कि ये बात तो बहुत मीनिंगफुल होगा, कोई सन्यासी व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है, इसका कारण हो सकते हैं। बहुत गंभीर बात कह दिए हैं। तो उसने आगे पूछा है, आपने ये बात क्यों कहा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ समझाइए मुझे। तो तथागत कहते हैं, मैंने शरीर से वाणी से मन से जो भी दुष्कर्म करना है सारे दुष्कर्म को मैंने रुखा दिया है, कोई दुष्कर्म नहीं करता। मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कोई भी दुष्कर्म नहीं करता, अपने शरीर से भी नहीं करता, वाणी से भी नहीं करता, मन से भी नहीं करता है, मैं कोई हत्या नहीं करता हूं, मैं ऑलरेडी रुखा हूं, उस अवस्था तक पहुंच गया हूं, और आप जो हत्या कर रहे हैं कब रुकोगे ऐसा। तो कोई सन्यासी व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता है, इनके पास ज्ञान है, पढ़े लिखे तो है ही है, ये इंटेलिजेंट है, समझ में आ गया मैं मुझे रुकना है अभी। उस बातों को गहरा असर पड़ गया उसके मन में, उसके मन को छू लिया है, उनके चित्त को छू लिया है, तभी उनके सारे जो धनुष है, हथियार है, उनका जो दाव है सब फेंक दिया है, निकाल के सब फेंक दिया, उसके गले में जो हार बना के रखा है वो माला उसको भी फेंक दिया है। तभी भगवान बुद्ध के पास पहुंचे हैं ये, वरना नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक भगवान बुद्ध को हानि करने के लिए, हत्या करने की इच्छा है, तब तक वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। तभी उनके पास पहुंचे हैं और आंखों नीचे रख के हाथ जोड़ के तथागत मुझे भिक्षु बनाइए, मैं भी आपकी बातों को समझ में आ गया, भगवान की बातों को समझ में आ गया। समझ में आ गया तो भगवान को बोले कि मुझे
भिक्षु बना दीजिए। भगवान बुद्ध ने यही भिक्षु बोल दिया, यही भिक्षु यानी आओ भिक्षु, बोलते ही पूरे उनके शरीर में चीवर और पात्र आ गए, क्योंकि पूर्व जन्म में किया हुआ अस्त्र पुरस्कार चीवर दान देने का पुण्य है उनको। इसलिए जो व्यक्ति अस्त्र पुरस्कार चीवर दान देने के पुण्य दान देने का पुण्य है, वो व्यक्ति को भगवान बुद्ध को मुलाकात होने से यही भिक्षु बोले या यही भिक्षु नहीं बोले, तुरंत वो जो है उसके शरीर में चीवर आ जाते हैं आम में और भिक्षा पात्र भी आ जाता है। ये है पुण्य का फल। ठीक है, आगे है उसको लाया। ठीक है, लाया तो जैतवन विहार में पहुंच गए हैं और ये भगवान बुद्ध को फैन से हवा दे रहे हैं साइड में खड़ा होकर के। उतना में राजा प्रसेनजीत हजारों सेना के साथ स्पेशल फोर्स के साथ उनको पकड़ने जा रहे, पर मन में डर है उनके मन में। किसको? राजा प्रसेनजीत को। इतना खूंखार आतंकी है, इतना पहलवान है, इतना तेज तरार दौड़ते हैं, 40-50 सेना का एक साथ में मारता है ये। तो इतनी बलवान है तो उसको पकड़ने जाएगा, मन में थोड़ा डर है, भगवान से आशीर्वाद लेके जाता है। भगवान के पास आया विहार में, भगवान बुद्ध के पास गए हैं, हाथ जोड़ो हाथ जोड़ो, प्रवचन सुनने को हाथ जोड़ना है। तो भगवान बुद्ध के पास पहुंचा है तो बोले, तथागत बोले, महाराज उपासक कहाँ जा रहे हो कि मगध राज से कोई भेदभाव हो लेके युद्ध करने जा रहे हो? तथागत बोले वो सॉरी राज कौशल नरेश बोले, राजा पुत्र नहीं तथागत, बहुत खूनखार आतंकी जो है अंगुलिमा को पकड़ने जा रहा है, इसलिए थोड़ा बात करके आपके आशीर्वाद को लेकर के जाएंगे बोलते। तो तथागत ने पूछा उनको, राजन अगर अंगुलिमाल भिक्षु बन जाते हैं तो आप क्या करोगे उसको? अगर ये व्यक्ति सज्जन बन गए, भिक्षु बन जाते हैं तो क्या करोगे आप? ऐसे सेना को लेकर पकड़ इतना परेशानी कुछ ना हो अगर ये भिक्षु बन जाओ तो, क्योंकि राजा के पास गुस्सा आया था ना, राजा को रुकाने के लिए तथागत को तो उनको वचन लेना पड़ता है। तो बोले मैं तब तो उनको मैं सेवा करूंगा, चतुपच्चय दान देकर मैं उनका सेवा करूंगा, ऐसा उन्होंने बोला। फिर तथागत ने फिर बोले वो बोले कि इतना बड़ा खूंखार आतंकी तथागत वो भिक्षु हो सकता है? ऐसा पूछा उन्होंने राजा ने। राजन फिर तथागत बोले ये मेरे वो जो पंखा हवा दे रहे हैं यही अंगुलिमाल है। इतना बोलते ही सेना लोग जो है इतना घबरा गए, तो बहुत सेना के एक दल जो है पीछे हट के भाग गए हैं। राजा भागे नहीं, आज राज इंद्रिय रहते हैं उनके मन में फेस में पर डर है, उनके भी पर डर लगा है। तो उसको देख के तो उनको पूछा कौन है तो उसके पिताजी कौन है? वो राजपुरोहित थे वो पिताजी, गग और मेंटानी ब्राह्मण की वो बेटा है वो। तो तथागत ने बोले आपके माता पिता की जो भी कुछ जरूरत होगा तो मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, आपकी भी जो भी जरूरत होगा उनके शेयर की जरूरत मैं सेवा करूँगा हमेशा आपका, आपके उपासक भी हमें समझे। तो तथागत को इतना प्रशंसा करने लगे राजा प्रसेनजीत, क्या है बोले तथागत में इतना गुण है, इतना बड़ा खूनखार व्यक्ति को लोग 40-50-100 लोग जाने से भी कुछ नहीं होता उनके आगे में, और लोग डरता है उनके नाम से, पूरे देश में डरता है उनके नाम से, पूरे राज्य में लोग कांपता है। तथागत ने क्या, तथागत ने क्या अनंत मैत्री करो, क्या गुणवान है कि इतना बड़ा धाकू इतना बड़ा खूनखार आतंकी को तथागत ने भिक्षु ही बना दिया। प्रशंसा तो करेगा ही है ना,
तो बहुत प्रशंसा की तथागत ने, फिर चला गया ये, तो उनको तथागत ने साधना सिखाई है। किसको? उंगुलीमाल को साधना सिखाई। तो वो एक विहार में रहने लगे एकांत में, साधना से साधना नहीं कर पाते उंगुलीमाल, उंगुलीमाल साधना नहीं कर पाते हैं, बहुत परेशान हो जाता। साधना में बैठते ही मुझे, मेरे पिताजी को मत मारो, मेरे माँ को मत मारो, विनती करते हुए चिल्लाते हुए उसको बार बार याद आ रहा है, पूरा वही बार बार याद आ रहा है। उंगुलीमाल साधना नहीं कर पा रहे, साधना नहीं कर पा रहे। तो तथागत ने उनको बताया, उंगुलीमाल तुम इस बात को भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। जब से तूने भिक्षु बने हैं तब से तो तूने तो हत्या नहीं की ना, प्राण हत्या नहीं किया ना, तो इस सील के भंग नहीं किए ना। नहीं तथागत, वो जो हो गया सो हो गया, अभी आप तुम्हारे सील शुद्ध हो गया है, इस सील को याद करें। तभी उनके मन एकाग्रता कर पाया, समाधि हुआ, समाधि हुई तो विपस्सना ज्ञान हुआ, विपस्सना ज्ञान हुआ तो क्लेश नष्ट हुआ। वैसा ऐसा करके उन्होंने अपना सुविधा अनंत मार्गफल को प्राप्त कर लिया है। कौन? उंगुलीमाल। उंगुलीमाल अनंत मार्गफल को प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर अर्हंत तो हो गए हैं, परंतु ये भिक्षाटन के लिए जाते हैं वही समस्या है। पहले जैसा है, कोई भिक्षा देने के लिए तैयार नहीं है उनको। वो आते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं डर की मारे में। और कुछ लोग ऐसा भी है जिनको बहुत ज्यादा क्रोध है, बदलाव की भावना है, वो सारे लोग क्या करते हैं, उनको पत्थर मारते हैं दूर से, नजदीक भी जाने के लिए हिम्मत नहीं है, इतना डरता हुआ भी। पर ये तो संत बन गया, अरहंत बन गया है, उसके पात्र में पत्थर ही आता है, कभी मिलता नहीं मिलता उनको, तो पत्थर ही मिलता है, फिर कपड़ा भी टूट फड़ जाता है, सिर में गिरता है। इतना बड़ा पाप है कि उसको दिखा दम वेदनिया कम होते सब कर्म करते हैं। प्रथम जो है जो चित्त की चेतना वो शक्ति जो है वो इस जन्म में फल देते हैं। तो इसलिए उसको भोगना पड़ा। कुछ ऐसा जैसे कि उपबच्चा कर्म जो है नेक्स्ट जन्म शुरू होते हैं, अपर प्रिय वेदनिया कम्मा जो है सेकंड फिफ्थ टप जो है कर्म जो उसका थर्ड जन्म से निर्वाण पहुंचने तक खोल देता है, ऐसा है। परंतु उसका जो चित्त है उस समय, प्रथम चित्त को देखो आप, चित्त की चेतना जब कर्म करते हो पहला चेतना कैसा होता है, दूसरा चेतना, तो उसका पहला चेतना इतना स्ट्रांग है कि हत्या की, इसलिए उसको इसी बार भोगना ही पड़ेगा। कोई अगर पत्थर फेंकता है ऐसा करके कहीं चिड़िया को भागाते हैं या जानवर को भागाते हैं, बराबर उनकी आंग में जाके गिरता है, उनके सिर में जाके, उनके शरीर में जाके गिरता है। इसलिए कर्म विपाक किसी को छोड़ता ही नहीं है, ठीक है। कर्म का संबंधित बात में होगा उसका, तो इतना ही समझो कि आज जैसा कर्म करते उसका परिणाम आएगा ही। तो ये इतने परेशान में जल रहे एक अरहंत भिक्षु, पहले तो दुखी होता था, पर अरहंत होने के बाद दुख रहते, मन में दुख नहीं रहते। पर तथागत ने उसको बताया, उंगुलीमाल ये सूत्र को सिखाते हुए बताया। कब बताया? तो एक दिन ऐसा हुआ कि वो भिक्षादान करने के जा रहे थे, उतना में एक छोटी महिला, बच्चा जन्म नहीं हो रहा था, बहुत चिल्ला रो रहे थे। वो तथागत को जान, तथागत ने तब बोले कि उंगुलीमाल सत्य क्रिया करो, तथागत ने सिखा दिया। जब से मैं इस आर्य कुल में भिक्षु बने हैं और उसके बाद में आर्य बने हैं, अरहंत बने हैं, अब तक के किसी प्राणी का हत्या नहीं की है, इस सत्य वचन से, ये करुणा चित्त से बोल रहे हो, सत्य क्रिया करने आना चाहिए आपको। अभी इस सूत्र के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसा सत्य क्रिया करना है। तो उसने बोले हैं कि इस सत्य वचन से इस माँ का भी और उसका बेटा का भी, दोनों का कल्याण हो, सुखी हो, ऐसा। इसमें क्या कहा है कि अरे जातीय जातो नाभि जानामि संचिता पाने जीवित रूपिता। कभी मैंने जब से आर्य कुल में भिक्षु बने हैं तब से लेकर के अभी तक अरहंत होने तक मैंने कभी किसी का हत्या नहीं की है। इतना सच्चा वाज इतना तेना सच्चे न सतीते हो तू सती गवार। इस सत्य वजन से उस महिला का भी उस गर्भ में संतान का दोनों का कल्याण हो,
इतना भगवान ने इतना कहते हैं कि तो इस सत्य वचन से तुझे कल्याण हो और तेरे गर्भ में तब संतान का भी कल्याण हो, इतना कहते बिना परेशानी में वो आराम से संतान पैदा भी हुआ, दोनों माँ बेटी का सुख शांति हुआ। तब से लेकर के लोगों में अंगुलीमाल भंती जी के प्रति करुणा, लोगों का मन जीत लिया उन्होंने, फिर उनके प्रति करुणा जागे, ठीक है, फिर करुणा जागे तो अंगुलीमाल भंती को भोजन भी मिलने लगे, लोग भी सम्मान आदर करने लगे कि ये अभी संत बन गए हैं, ये शब्द बोले हैं उन्होंने, ये सत्य वर्तक को, इस बात को सब फैल गया है पूरे देश में, अंगुलीमाल संत बन गए हैं, इस उसके सत्य वचन से माँ और बेटी का कल्याण हुआ है ना, पूरे फैल गया बातों को। तब से लेकर फिर एक बार अंगुलीमाल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोगों का प्यार मिलने लगे, लोग भोजन देने लगे, उनका आदर सत्कार करने लगे, ये है इस अंगुलीमाल सूत्र के महत्वपूर्ण। इसलिए आप भी कभी भी ऐसा संकट आए या परेशानी आते ही अपने किए हुए कर्म को, पुण्य कर्मों को सत्य क्रिया करके, या तो अंगुलीमाल सूत्र को इस तरह की अपने कर्मों को और सच बात को मैत्री से और सच बोल के अपना परित्राण कर सकते, अपना रक्षा कर सकते हो, इसको आप लाभ उठाइए, इसको इस सूत्र के प्रभाव से आप सबका मंगल हो, और आप सब लोग इस मंगल जो है आज की जो विशेषता है अंगुलीमाल सूत्र की जो विशेषता को जान के इसको जैसे समझा उसका आपकी जीवन में उपयोग करें, उसको लाभ उठा सके, इन्हें आपका सद्धम लाभ हो, इन्हें मंगल में के साथ प्रवचन विराम देता हूँ। भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब बुद्ध अनुभावेन सदा सुति भवन्तु ते, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब धम्म अनुभावेन सदा सुति भवन्तु ते, भवतु सब मंगलम रखन्तु सब देवता सब संघ अनुभावेन सदा सुति भवन्तु ते।